प्रिय विद्यार्थियों, बकड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 12 यशपाल जी का लखनवी अंदाज, जिसमें वास्तविकता की अपेक्षा एक बनावटी जीवन शैली को अपनाने वाले सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया गया। इस कहानी में अब तक हमने पढ़ा कि लेखक जब एक ट्रेन में सफर कर रहे हैं और अपनी नई कहानी की खोज में निकले, तब सेकंड क्लास के डिब्बे में यात्रा के लिए उन्होंने रेलगाड़ी में चुना और उसमें वो बैठ गए। वहां पहले से ही एक व्यक्ति लखनवी अंदाज में वहां बैठा, पालथी मारे बैठा था। उसके सामने एक तौलिए पर दो चिकने खीरे रखे थे। नवाब तरीके से जीने वाले उस व्यक्ति को पहले तो लेखक की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी। वह उपेक्षापूर्ण गाड़ी से बाहर देखता रहा, फिर खीरे के टुकड़े काटकर तौलिए पर सजाए, उन पर मसाला छिड़का और अपनी सराफत दिखाने के लिए खीरे के मसाला छिड़का और अपने मुंह को रसास्वादन की तरह मुंह को बनाने लग गए। लेखक को कुछ समय पश्चात उसने फिर पूछा कि आप भी इस खीरे का शौक फरमाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। लेखक ने आत्मसम्मान के लिहाज से उनको खीरे के लिए मना कर दिया और कहा आप ही खाइए, मुझे अभी इच्छा नहीं है और मेरा हाजमा भी खराब है, मेरा पाचन तंत्र भी ठीक नहीं है, तो आप ही इस शौक को फरमाइए। इतना हमने पढ़ा, इससे आगे हम पढ़ते हैं। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों का मतलब होता है ललचाई आंखों से, नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया, एक लंबी सांस लिया और खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले गए, फांक को सूंघा, स्वाद के आनंद में पलके मूंद ली, मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गए। देखिए नवाब ने क्या किया कि नमक मिर्ची लगे उन खीरों को अपने हाथ में उठाया और ललचाई आंखों से लंबे सांस के साथ उसे नाक के पास ले गए, अच्छी तरह से सूंघा और होठों के पास तक ले जाकर उन फांकों को खिड़की के बाहर, उन फांकों से मुंह में पानी आ गया, उस पानी को गले के नीचे उतार लिया और जो खीरे की फांक थी उसको खिड़की से बाहर फेंक दिया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसा स्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए, यानी खीरे की हर एक फांक को अपने नाक के पास ले जाकर कल्पना कर वासना से कल्पना कर इच्छा से कल्पना कर मुंह में पानी लाकर एक एक फांक को बाहर फेंकते गए। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक कर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रही हो यह है खानदानी रईसों का तरीका कि हम खानदानी रईस है और हम इस तरह से अपना खान पान पूरा करते हैं कि हमें इतनी करामात है, हम इतने परजीवी हैं कि हमने खीरे को सूंघकर ही अपना पेट की उसकी इच्छा पूर्ति कर ली।
नवाब साहब की खीरे की तैयारी इस्तेमाल से थककर लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा और नवाब साहब ने खीरे की सारी प्रक्रिया करने के बाद जब लेखक को देखा तो लेखक को भी नवाब साहब की इस आदत की तस्लीम यानी स्वीकृति में सिर खम यानी झुकाना पड़ा, निजे यानी करना पड़ा। यह है खानदानी तहजीब यानी सभ्यता। नफासत स्वच्छता और नजाकत यानी तौर तरीका कि यह हमारे खानदानी सभ्यता स्वच्छता और खाने का तौर तरीका है। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म नफीस एब्स्ट्रैक्ट तरीका यानी बढ़िया और कल्पना मात्र, नफीस यानी बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट यानी कल्पना मात्र तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है, पेट भरा सक सकता है? यानी सिर्फ खीरे की सुगंध और स्वाद से ही इतना सूक्ष्म किफायती बढ़िया और कल्पना मात्र तरीका लेखक ने आज तक नहीं देखा जिससे पेट भरा सक सकता है। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का सब सुनाई दिया। नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, खीरा लजीज होता है लेकिन होता है शकील, भारी, नामुराद, अभागा, मेदे पर बोझ डाल देता है यानी पाचन शक्ति को बिगाड़ देता है। ज्ञान चक्षु खुल गए यानी लेखक को समझ में आ चुका था, पहचान ये है नई कहानी के लेखक, लोग इस तरह से अपना जीवन जीते हैं, ऐसे ज्ञान चक्षु लेखक के खुल गए। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तब लेखक ने सोचा कि जब खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से नवाब ने अपना पेट भर लिया और डकार भी ले ली तो फिर मैं भी बिना किसी विचार के और बिना किसी घटना के और बिना किसी पात्र के एक लेखक की इच्छा से एक अच्छी और नई कहानी क्यों नहीं लिख सकता। इस तरह से हमें यशपाल जी ने ये एक बनावटी जीवन जीने वाले सामंती जीवन जीने वाले लोगों के बारे में एक छोटी सी रचना अपनी प्रस्तुत की। अब इस अभ्यास के जो अभ्यास प्रश्न है वो आप लोगों को करने हैं। इसमें 7 अभ्यास प्रश्न है, रचना और अभिव्यक्ति आपको नहीं करनी है। इस तरह से ये कुल 4 प्रश्न है जो आप लोगों को करने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप कीजिए, अगर कोई उत्तर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो आप मुझसे कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं। अगले ऑनलाइन क्लास में नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।